Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. पहला भारत रत्न पाने वाले वो फ्रीडम फाइटर जो पॉलिटिक्स में आए ही गांधी जी की वजह से थे, लेकिन 1942 में गांधी जी का वो कौन सा फैसला था जिसका उन्होंने खुलकर विरोध किया, आइए देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोग सीआर या प्यार से राजा जी बुलाते थे, एक साधारण से घर से थे और पेशे से एक लॉयर थे। राजा जी जब तमिलनाडु के सेलम में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसे लॉयर के बारे में पता चला जो साउथ अफ्रीका में सिविल डिसओबीडियंस के आइडियाज को आजमा रहा था। बिना वायलेंस, बिना हथियार उठाए विरोध करने के इस तरीके को देख राजा जी इतने प्रभावित हुए कि अपने खर्चे पर उन्होंने उस समय सैकड़ों पैम्फलेट्स छपवाए और उस लॉयर के संघर्ष के बारे में इंडिया में सबको बताया। वो लॉयर कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। राजा जी ने अपनी समाज सेवा पैम्फलेट्स बांटने तक सीमित नहीं रखी, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मन बनाया और फिर सेलम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैनशिप संभाली। इक्वालिटी राजगोपालाचारी जी के लिए बहुत मायने रखती थी। समाज में इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में एक रेवोल्यूशनरी फैसला लिया और पहली बार कॉर्पोरेशन में दलित मेंबर नियुक्त किया। उस समय भारत में दलितों की मंदिर में एंट्री को लेकर बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। इस ज्यादति के खिलाफ केरला में वाइकॉम सत्याग्रह शुरू हुआ। अब तक गांधी जी भी भारत लौट चुके थे और सीआर उनके करीब आ गए थे। वाइकॉम सत्याग्रह को और मजबूत करने के लिए सीआर भी गांधी जी के साथ केरला गए और इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। सन 1935 में इंडिया को पार्शियल इंडिपेंडेंस मिल गई और इंडियन पार्टीज अब प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ सकती थी। जब मद्रास प्रेसिडेंसी में इलेक्शंस हुए तो सी राजगोपालाचारी को शानदार जीत मिली। उन्हें प्रीमियर बनाया गया, जो कि आज के समय की चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट होती है। प्रीमियर बनने के बाद उनका पाथ ब्रेकिंग फैसला था टेंपल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंडेमनिटी एक्ट 1939, जिसके बाद दलितों को मंदिरों में जाने की अनुमति मिल गई। ये उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। कई लोग उनसे नाराज भी हुए, लेकिन सीआर के लिए अपनी लोकप्रियता से ज्यादा जरूरी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई थी। उधर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया और वायसराय ऑफ इंडिया चाहता था इंडिया भी वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई करे, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। गांधी जी ने कहा, अब करो या मरो। गांधी जी की बात मानते हुए सीआर और उनकी कैबिनेट ने फौरन इस्तीफा दे दिया। राजगोपालाचारी अभी तक गांधी जी के पदचिन्हों पर चले और उनकी हर बात मानी, लेकिन 1942 में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, तब राजा जी अपने विचार प्रकट करने से बिल्कुल नहीं हिचके और अपने आदर्श गांधी जी का खुलकर विरोध किया। उनका कहना था, जब इंग्लैंड हिटलर जैसी अमानवीय ताकतों से युद्ध में जूझ रहा है, तो ऐसे में एक और विद्रोह सही नहीं है। सीआर के लिए मानवता सबसे ऊपर थी और उनके इस प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया था कि सीआर के मन में अपने दुश्मनों के लिए भी उतनी ही करुणा थी जितनी अपने लोगों के लिए। भले ही इस मुद्दे पर गांधी जी और सीआर एक दूसरे से सहमत नहीं थे, फिर भी दोनों का मकसद तो भारत की आजादी ही था। इस मतभेद की भी गांधी जी ने सराहना की और राजगोपालाचारी को हमेशा अपना कॉन्शियंस कीपर माना। उनके लिए सीआर वो इंसान थे जो हमेशा उन्हें सही राह दिखाएंगे। 1947, भारत को आजादी मिली और दोनों का सपना साकार हुआ। और जब 1948 में ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए, तो जनवरी 1950 तक राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो पहले और आखिरी इंडियन थे जिनको इस पद पर बैठने का मौका मिला। 1955 में सी राजगोपालाचारी को इंडियन पॉलिटिक्स में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीआर कहते थे, डू नॉट डिमांड लव, बिगन टू लव।
यू विल बी लव्ड। उनका जीवन देखें तो उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था।